क्योंकि जनवरी 2024 तो बाद कोई भी स्टूडेंट आपके स्पाउस लैके जा पाएगा, स्पैशली वो स्टूडेंट जोड़े मास्टर्स पढ़न जाते अज स्पाउस ना जाना तो वाकई लास्ट मौका है। सितंबर इंटेक मुझे लगता कि 20 जून डेडलाइन है, अगर 15 जून तक एप्लीकेशन पाँदे हो सितंबर इंटेक लिया जा सकता, वो भी किसी किसी यूनिवर्सिटी। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं तुहाडा अपना सुखचैन राही आर एस ग्लोबल इमीग्रेशन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम राही यूके बारे हर वार नवी अपडेट गल्लां करदा। खबरां तो घूमी गईआं सारे पासे, स्पाउस होने जा रहा है बंद, स्पाउस नाल जाण दा आखिरी मौका कहना चाहिए हैगा भी है, क्योंकि जनवरी 2024 तो बाद कोई भी स्टूडेंट आपके स्पाउस नहीं लैके जा पाएगा, स्पैशली वो स्टूडेंट जोड़े मास्टर्स पढ़न जाते हैं। हाँ ठीक है, कोई रिसर्च हुआ, कोई PhD की पढ़ाई लैके जा रहा तो स्पाउस जाएगा, खैर वो लोबी पंजाब हरियाणे है ही नहीं। सो अज स्पाउस नाल जाना तो वाकई लास्ट मौका है। सितंबर इंटेक मुझे लगता कि 20 जून डेडलाइन है जो तुम आपकी ऑफर अपलाई करनी है, 30 जून तक तुम आपकी कैश अपलाई करनी है, कोई यूनिवर्सिटी होगी जी जुलाई के 10 तक कैश देगी, उस तो बाद वो भी नहीं। सो अज जून की अज 1 तारीख से बैठे हैं, तुम वीडियो लेट वेख रहे हो तो उस मुताबिक अपनी डेटा सैट कर लियो। 10 तो 15 जून तक अगर तुम आपकी एप्लीकेशन दर्ज कर दो तो सितंबर इंटेक की उम्मीद की जा सकती है। हुण जिहड़े बच्चे ने स्पाउस दे नाल जाना, ग्रैजुएशन की IELTS ओवरऑल 6 बैंड है या PT च ओवरऑल 59 या फिर कई यूनिवर्सिटी विदाआउट IELTS जिवें तुहाडी इंग्लिश हो गई 80% नंबर है 12वीं चों, 2 यूनिवर्सिटी विदाआउट IELTS अपलाई किया जा सकता, 3 यूनिवर्सिटी इहो जिहियां ने जिन्हां च केवल 2000 पाउंड 2 लाख रुपया फीस पे करके कैश लिया जा सकता, इंटरव्यू भी नहीं होनी कोई, बट उसकी रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6.5 ईच है, PT 60 नॉट लैस दैन 59 ईच है। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दो तो विदाउट इंटरव्यू केवल 2 लाख रुपया फीस पे करके कैश लैटर ले जा सकती है। फंड्स अपने रेडी रखो, 28 दिन पुराने करके रखो। अगर 15 जून तक एप्लीकेशन पाँदे हो सितंबर इंटेक लिया जा सकता, वो भी किसी किसी यूनिवर्सिटी। अगर नवंबर का इंटेक गिनती दी 4-5 यूनिवर्सिटी है, स्पैशली दिक्कत उन्होंने पैनी है जिहड़े ग्रैजुएट है स्पाउस बच्चों नाल जाना चाहते हैं, उन्होंने अगे जो जनवरी इंटेक डैफर हो गया अप्लाई नहीं कर सकते। अज यूके जहाँ मुल्क है हसबेंड अगर पढ़न चलिया वाइफ के नाल 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे भी नाल लैके जा सकता, वाइफ पढ़न चली है हसबेंड के नाल 1, 2, 3, 4 जिन्हें मर्जी डिपेंडेंट जा सकते हैं। खैर इंडिया तो गए बड़े घट्ट है, नाइजीरिया तो, साउथ अमेरिका तो, साउथ अफ्रीका तो बड़ी वड्डी गिनती 6-6, 7-7 जने एज ए डिपेंडेंट गए हैं। डिपेंडेंट बंद करने पिछे बड़ी रीजन सी सरकार दियाँ, घट सैलरी से घट पैसों से डिपेंडेंट्स काम कर रहे, सिस्टम नूं अब्यूज़ कर रहे हैं। खैर चंगा माड़ा नहीं मैं कहूँगा, बट मौका लास्ट है तुहाडे लई। यूके वर्गी वो ऑप्शन दोबारा नहीं मिलनी कि अज तुसी परिवार नाल इकट्ठिया 10 साल के गैप नाल पढ़न जा सको। सो अज ग्रैजुएट हो, घट्टो घट 55% नंबर, ग्रैजुएशन 2014 ऑनवर्ड भी क्यों नहीं की, 10 साल का भी गैप है तुहाडे कोल जॉब के प्रूफ ने, तो भी यूके पढ़न जाया जा सकता। और यूके सब तो वड्डी खासियत पता की है, ऑफर आ गई, इंटरव्यू क्लीयर हो गई, कैश आ गया ना तो अटैची पैक कर लो अपना, अनटिल अनलैस तुहाडे फंड्स तुहाडे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, मैं कभी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं देखा। आर एस ग्लोबल का सक्सैस रेट तो 100% है ही है, होर भी जोड़े कंसल्टेंट काम करते पुराना जिन्होंने पता यूके किमें नजिठना है, 100% सक्सैस रेट है, सिर्फ प्रॉब्लम इंटरव्यू तक पीती। अगर इंटरव्यू देने तो डरते हो, 3 यूनिवर्सिटी दूंगा ग्लासगो स्कॉटलैंड दी जिथे इंटरव्यू आनी नहीं ताकि, अगर IELTS हो 6.5 ओवरऑल 6.5 बैंड है या फिर PT जो 60 स्कोर आ नॉट लैस दैन 59 विदाउट इंटरव्यू ऑफ लैटर ले जा सकती है, 2000 पाउंड पे करके कैश लिया जा सकता, फंड विखाओ टैची पे करो परिवार ना यूके निकल जाओ। एक वड्डा सवाल साढ़े फेसबुक से या यूट्यूब कमेंट्स के रूप से आ रहा है कि हूँ Tier 2 वीजे भी चेंज नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल हाले मौका है, मैं खैर तुम्हें प्रवोक या प्रमोट नहीं कर रहा कि जाके वीजे चेंज कर लो, पढ़ाई छड़ के उत्थे वर्क परमिट ते आ जाओ, बट यस अज तुम यूके सरकार राइट दिंदी है, इफ यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा यू कैन स्विच योर वीज़ा टू Tier 2 वीज़ा। अगर तुहाडे कोल कोई जॉब की ऑफर है, स्पॉन्सर है, जिन्हों कॉस लैटर कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो लैके 3 तो 5 साल का वीज़ा चेंज करा सकते हो 31 दिसंबर 2023 तक, 1 जनवरी 2024 तो बाद कोई भी स्टूडेंट जाके वीज़ा स्विच नहीं कर पाएगा। ये भी एक बैड न्यूज़ भी है बट कितना कितने गुड न्यूज़ भी है, जिहड़े बच्चे हाले सितंबर इनटेक लई जा रहे हैं, अक्टूबर इनटेक लई जा रहे हैं, उन्हां दा कोई रैलेटिव उत्थे बैठा है, कोई केयर होम दे विच किते भी तुहानूं कोई स्पॉन्सर मिलती है, प्लस टू की या ग्रैजुएशन की है, आपका वीज़ा स्विच किया जा सकता, बट जनवरी ऑनवर्ड तुसीं जाके पढ़ाई वाला वीज़ा वर्क परमिट चेंज नहीं कर सकोगे। इत्थों अज सीधे तौर पर वर्क परमिट पर जाना चाहते हो, अगर तुहाडे कोल जॉब ऑफर है या तुहाडे कोल कोई स्पॉन्सर है, प्लस टू की है, तो IELTS UK भी 5 बैंड चाहिए, ग्रैजुएशन की इंग्लिश मीडियम तुहाडे कोल लैटर है कि तुसीं इंग्लिश मीडियम ग्रैजुएशन की है, IELTS UK भी लोड़ नहीं, सीधा 15-20 दिन कॉस लैटर लैके 3 हफ्ते वीज़ा ला के आ जाता।
ਸੋ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੋਂਟ ਡਿਲੇ, ਅਪਲਾਈ ਟੂਡੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਯੂਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।